हे विवान, सो मैं वीडियो लेके नहीं आ रही हूँ, उसके लिए सो सॉरी। अभी यहाँ पे इसी तरीके के वीडियोस मिलेंगे। बाकी अगर आपको देखना है तो जाके चैनल को ज्वाइन करें, चैनल का मेंबर बन जाए, तो आपको वीडियो मिलेगा जो आप चाहते हैं, जिस तरीके की वीडियो वैसी। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा ऊपर करती हूँ। ठीक है, फिलहाल मैं अभी, मुझे एक पेड प्रमोशन वीडियो करना है, तो उसके लिए मैं हो रही हूँ रेडी और आप लोगों के साथ कर रही हूँ शेयर। अभी जस्ट मैं बात लेके आई हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया फेस पे, विदाउट एनी फिल्टर मेरा फेस है, आप लोग देख सकते हैं, कोई फिल्टर नहीं, कुछ नहीं है। तो सबसे पहले मैं बॉडी लोशन लगा चुकी हूँ बॉडी पे। सबसे पहले जो मेरा वर्क, फर्स्ट जो काम होता है वो होता है अंडर आर्म्स। ये निविया का है, ये मेरा अंडर आर्म्स रोल ऑन, जो कि ये काफी काफी अच्छा है, आपके अंडर आर्म्स को लाइट करता है जो डार्क रहते हैं। तो मेरा एक्चुअली अंडर आर्म्स काफी हद तक डार्क हो गया था, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे क्रीम यूज कर लिए थे इस वजह से। तो इससे मेरा काफी मतलब काफी लाइट हो गया है और अच्छा भी लगता है। इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना, पूरे दिन आपको देखने मिलेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ सनस्क्रीन। सनस्क्रीन तो मस्ट है, बिना सनस्क्रीन का तो मेरा मेकअप ही मतलब दिन ही नहीं होगा। मैं रात को भी सनस्क्रीन लगा लेती हूँ, और मैं यही वाला लगाती हूँ लोटस का। जिनकी स्किन मेरी टोन के है, जो लोग सांवले हैं, उनके लिए काफी अच्छा है ये। मैं कभी खुद को ये नहीं कहती कि हाँ, मेरा, मैं जो हूँ वही हूँ, कोई बनावट नहीं। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ बिको डर्मेट क्रीम। आजकल मेरा ये फेवरेट हो गया है, आई डोंट नो क्यों, बट ये काफी अच्छा लगने लगा। पहले भी मैं यूज करती थी, फिर छोड़ दी थी, बट अब अच्छा लगने लगा है। चलिए, बहुत अच्छे से मसाज करते हुए लगाना है। इसकी जो खुशबू है ना, ओह माय गॉड, सच में अमेजिंग, बहुत अच्छा है, देख सकते हैं। लास्ट में मैं थोड़ा सा ये ली हूँ बोडोलिन, जो कि मैं अपने हैंड पे इस तरीके से लगाऊंगी, और फेस पे जस्ट लाइक टप, ऐसे पूरा लगाना नहीं है। अब ये मेरा हो गया बेस, डन। ठीक है, उसके बाद मैं लगाऊंगी आईब्रो फिल करूंगी। उसके बाद आईब्रो और लाइनर लगाने के लिए फोन के कैमरे में अच्छे से विजुअल नहीं होता है। सो आईब्रो इज डन। आफ्टर दैट मैं लगाऊंगी काजल, थोड़ा सा पास आइए आप लोग। सो काजल लगा लेते हैं। ये काजल इतना बेकार आया है ना मेरा, सच में। ये मैं लेके आई थी जोडियो से, कहने को सच में जो सस्ती चीजें मिलती है वो सस्ती ही रहती है। इस अच्छी मेरी ये है, आईब्रो पेंसिल से ही मैं काजल फिलअप कर लेती हूँ, और ये हो भी जाता है बहुत सुंदर, ये देख सकते हैं। यस, आईब्रो इज डन। अब कितना भी कुछ कर ले, जब तक आप ये ना लगाएंगे तब तक अच्छा नहीं लगेगा। इस तरीके से, यस। एक्चुअली वॉइस आ रही थी बाहर से, तो मैं जस्ट गेट बंद करने गई थी। ये मेरा लिपस्टिक रह गया, ये देखिए, ये पूरा खत्म हो चुका है, इसमें कुछ नहीं बचा। बट मैं सोच रही हूँ जब तक है, तब तक तो मैं इसको लगाती रहूंगी। देखिए, इसी से थोड़ा सा आई को फील करते हैं। ये बहुत प्यारा है मेरा लिपस्टिक। अगर चाहते हैं, लड़कों को इंप्रेस करना तो गर्ल्स, इतना तो मेकअप बनता है, अगर ये भी नहीं किए तो क्या किए, है ना। जरूरी नहीं है कि लड़के ही सिर्फ तैयार होते हैं लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए। लड़के ही तैयार होते हैं सिर्फ लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए, मतलब लड़कियां भी तैयार होती है लड़कों को इंप्रेस करने के लिए।
ना अभी मेरा ये एटलीस्ट एवरी डे तो इतना बनता है मेकअप करना अच्छा लग रहा है ये वाली इयररिंग। अभी मेरा आउटफिट रखा हुआ है जिसको मैं अभी वेयर करूंगी, उसके बाद वीडियो शूट करूंगी। तो सो ये देखिए, ये मैं हो गई हूँ फाइनल रेडी। क्या हो रहा है यस। अब जितने भी मैंने ये सामान निकाले हैं अपने, ये तामझाम, इसको मुझे उठा के रखना है। बाल को भी फिलहाल के लिए मैं ऐसे जस्ट लाइक क्लिंचर लगा लेती हूँ इस तरीके से। देखिए अब आई थिंक अच्छी रोशनी आ रही है ना। हाँ अब आ रही है ना अच्छी रोशनी। ये सारा सामान मैं उठा के रख देती हूँ क्योंकि फिर मेकअप करना है इसलिए। इतना सामान मेरा रोज का होता है मेकअप करने के लिए, समझ सकते हैं। ये मेरा ही नहीं, हर एक वुमेन का होता है। अब मैं खुद को वुमेन ही बोलती हूँ। ये हो गए हमारे, लग गए सारे सामान। ओके सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में। ओके अब मैं जा रही हूँ वीडियो शूट करने के लिए। जस्ट अब मुझे कुछ नहीं करना है, मेरा बस